ईमेल डालो, अपना फर्स्ट नेम डालो, अपना लास्ट नेम डालो, फिर स्टार साइन करो जल्दी से। गाइस आपने developers.shopify.com पे जाना। फेसबुक ऐप को यूज करके अगर पैसे कैसे कमाने हैं, ऐसे
आप Shopify इस्तेमाल करने में हो सकती है कि Shopify की ना इतनी ज्यादा फाइबर पे हॉट मार्केट है कि पीपल लाइक एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स दे वांटेड टू डेवलप आर Shopify स्टोर और Shopify स्टोर में ऐसे यूज होता है सिर्फ दो से तीन पेज के साथ आपने दो तीन पेज किया आपका स्टोर बन गया ठीक है अब हाउ यू कैन यूज द Shopify हाउ यू कैन स्टार्ट इन द मनी Shopify कहता है कि मेरा ना एक लाइक इस पे आप आपने वर्डप्रेस की साइट बनाई आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने के लिए क्या किया आपने ज़ैम इंस्टॉल किया ऐसी है वो ज़ैम ने क्या किया उसने आपके गूगल सिस्टम को एज ए सर्वर क्रिएट करवाया तो फिर आपकी साइट चल पड़ी यही हुआ इसमें क्या ये क्या कहता है Shopify Shopify कहते हैं तुम्हें किसी होस्टिंग की जरूरत नहीं है ठीक है किसी प्लगइन की जरूरत नहीं है आई हैव एवरीथिंग सेट अप ऑन प्लान तुम्हें सिंपली आना है Shopify पे आओ साइन अप करो एंड योर वेबसाइट इंस्टॉल आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग एवरीथिंग मींस एवरीथिंग राइट अब इस पे बेसिकली स्टोर कैसे क्रिएट करते हैं और हम लोग स्टोर क्रिएट अपने लिए क्यों करना चाहते हैं हम लोग क्लाइंट को कैसे क्रिएट करके दे सकते हैं और उसके साथ साथ और उसके पैरेलल हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपनी प्रोडक्ट एंटर करके उसको फेसबुक एड्स के थ्रू हम मार्केटाइज करवा सकते हैं ठीक है अब स्टोर पर करने का सबसे बेस्ट वे ये है तो सबसे पहले काम नहीं करना है कि तुम स्टोर स्टोर्स पे आने के बाद बिगर कम अटैक पर्टिकुलर पेज अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ कि कैन ऐड टू स्टोर या ऐड टू स्टोर और यू कैन क्रिएट अ न्यू स्टोर ठीक है आपके जितने भी इसकी ये खराबा ये है कि आप इसको ट्रायल बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं ठीक है Shopify स्टोर को नॉट दिस डेवलपर पोर्टल ये जो डेवलपर पोर्टल है ये स्पेसिफिकली फ्री ऑफ कॉस्ट पे आप डिसाइड जितनी देर मर्जी खाने से पास सकते हो कोई इशू नहीं ठीक है अब आपने नया स्टोर ऐसे क्रिएट करना है यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड स्टोर वेरी सिंपल में ठीक है अब स्टोर नाउ सब क्या है मैं एक वेबसाइट के लिए करना चाहता हूं अब ये नया करने के बाद तुम लोग साथ साथ क्रिएट करो आप यू सो से कि मेरा डेवलपर स्टोर है ठीक है मैंने सिंपली क्या किया अब मैंने सबसे पहले ना मुझे अपने स्टोर का नाम चाहिए मैंने किस बारे में स्टोर क्रिएट करना ठीक है हम कह रहे थे इसका शिपर्स और ये इसने हम बैठे हुए स्क्रिप्ट नहीं से भी क्रिएट करा दिया इसका शिपर्स डॉट शॉप फाइंड डॉट कॉम अब यहाँ पे हम स्टोर का पासवर्ड क्या है पूछना तुमसे कि क्रिएट अ नॉन ट्रांसफरेबल स्टोर दैट यूजर्स आर डेवलपर गिव यू तो तुमने इसको चेक रखना है कि ये स्टोर जो आप क्रिएट करते हो ये मैं बताऊंगा कि इसमें करना है अब यहां पर सिंपली स्टोर का एड्रेस वगैरह डाल दिया हूं साथ-साथ करना चाहते हो ना तो एक एक बल की कार्य करने की शुरू करने में साथ-साथ प्रैक्टिस हो जाएगी होते हैं कोई चीज क्रिएट करते हैं उसके दो तरह के एंड होते हैं
वन इज कॉल्ड फ्रंट एंड, वो एंड जो कि आपके कस्टमर्स के लिए होता है जो उन्होंने देखना है। सेकेंड वन कॉल्ड बैक एंड, वो जो कि मैंने खुद मैनेज करना है, जिस पर मैंने अपने कस्टमाइज करना है, प्रोडक्ट्स पर एंटर करना है, तो दोनों अपने इससे ले चलते हैं। सो सिंपली मैंने ये लॉगिन किया मैंने यहाँ से, ये दोनों की जब स्केल स्टोर क्रिएट करोगे ना तो आपके पास भी सेम इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। उस डैशबोर्ड में क्या है कि यू कैन गेट द एक्सेस टू द ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, डिस्काउंट, एप्स एंड ऑनलाइन स्टोर एंड सो ऑन, ये सारे सारे आपको ये में मिल जाएंगे। नाउ अब ये वाला जो जहाँ से मैंने स्टोर अपना क्रिएट कर पाया था ना, बेसिकली वो एक डिफरेंट डैशबोर्ड है। ये डैशबोर्ड मुझे बता रहे हैं कितने नंबर ऑफ स्टोर्स हैं जो कि मैं शॉपिफाई थ्रू चला रहा हूँ, ठीक है, और वो कौन से मेरे एक्टिव स्टोर्स हैं, कितने मैंने स्टोर्स को रेफर किया है और कितने पैसे मैंने इसके थ्रू बना चुका हूँ, ठीक है। अब ये सारी का सारा मुझे बता रहा है, राइट। शॉपिफाई कहते हैं कि तुम शॉपिफाई की सबसे अच्छी बात ये है कि तुम्हें वर्डप्रेस इसके हर चीज़ का इसके बेसिकली एक बड़े अच्छे वे में ऑटोमेट है, और एज पर 90% जो साइट्स हैं इसकी वो ई कॉमर्स बेसिक साइट्स हैं आजकल, वो शॉपिफाई चलती है। अब द बेस्ट पार्ट यू कैन यूज एंड हाउ यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ शॉपिफाई, शॉपिफाई के फर्स्ट थिंग मैंने टूरिस्ट किया आपके मन से आपने अपनी वेबसाइट क्रिएट कर दी, और वेबसाइट क्रिएट करने के बाद यू वांटेड टू सबसे पहला काम वर्डप्रेस की तरह इसके अपने ऑनलाइन स्टोर और यहाँ पे जाके इसके आपको सारे सारे जितने भी इसके फ्री नहीं था आपको वो सारे सारे थिंग्स मिलेंगे। आपने एक्सप्लोर करना और इनके जितने भी इनके थिंग था ना दे आर वेरी लाइक हाई लेवल और सारे सारे बड़े अच्छे मोटिव थिंग्स हैं, बहुत अच्छी इस कस्टमाइजेशन है। अब नाम लग से ये यहाँ पे ये सारे सारे फ्री थिंग्स हैं, मैंने चूज और उन थिंग मैंने ये यूज़ किया, इसका इसके तीन चार वेरियंट्स हैं, ठीक है, और इस थीम को मैंने हमें आई थिंक दैट थीम टू थीम लाइब्रेरी ये करने के बाद तुम्हें एक दोनों ही करना है। अभी हमने अपना वो इसके बाद फेसबुक ऐड वाला पोस्ट पढ़ा उनका कनेक्ट करवा दूंगा कि ये शॉपिफाई उसके साथ कैसे कनेक्ट होगा। सो ये आपका दिमाग है जो मैंने अभी इसको नैरेटिव इसको मैंने अभी अपलोड किया। और ये मैंने इसका ये हम एक साइड बेसिकली हो गई है तो मेरा वेबसाइट मैनेजमेंट किया हो गया एंड सो ऑन। नाउ मैंने बस इस टीम को मैंने पब्लिश करवा दिया, ये टीम पब्लिश हो गया। अब यहाँ से मैंने सिंगुलर क्लाइंट्स को कस्टमाइज करना शुरू किया। अब ये कस्टमाइज करना कितना आसान है, अपनी वेबसाइट क्रिएट करना कितना आसान है और हाई रैंक उतार, ओके। अब यहाँ से सबसे पहले जो आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हो जिसका वर्डप्रेस की साइट क्रिएट की, तो उस बारे काम के लोगों ने क्या किया, बड़ी रैंक आपने आपने सबसे पहले अपना लोगो लोगो एडिट किया। अब लोगो क्या है आपका, ऐसे लोगो नेविगेशन इसकी ना ऑटोमेटिकली मैं यहाँ से फ्री फ्री इमेजेस भी इसकी मिलती है इसकी लाइब्रेरी से। अगर से मैंने यहाँ से सिंपली क्या किया मैंने कोई सा भी इमेज अपलोड करता हूँ ऐसे लोगों और ये मैंने इसका लोगो अपलोड कर दिया।
तो वो अपलोड किया, स्पेक्टर ऑन किया और इधर लोगों को बता दिया। ठीक है, लोगों के बाद अभी मुझे पूछना है नेविगेशन मेन्यू। नेविगेशन मेन्यू क्या होता है, इसको बेसिकली कॉल्ड आपका वेबसाइट मेन्यू। ये हम लोग बाद में कर सकते हैं नेविगेशन। ठीक है, बड़े इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंड है कि ये आपकी पूरी साइट आपकी क्रिएट हो चुकी है, उसमें सिर्फ तुमने अपने अपने क्रिएटिव्स वगैरह या कॉन्टेंट वगैरह ऐड करना है। अब फर्स्ट फ्लो में स्लाइड शो भी ऐड करनी है, अगर वो स्लाइड शो अगर ये फुल स्क्रीन करना है, इसको एडाप्टिव फर्स्ट स्लाइड करना है, फुल स्क्रीन कर दिया और मैंने इस पर कोई वीडियो वगैरह ऐड करनी है, क्या मैंने कोई इस पर ईमेल ऐड करना है, अगर फ्री अब ये स्टोर डेवलप करने के बाद
खुलते हैं, जिस तरह से मैंने लोगों को लगाया, इंच पे लगा दिया, ये दो तीन चीज़ें लगाने के बाद, इनके लोगों प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करने के बाद, मैंने फाइबर के नाम की एक बना ली। क्या किया, एक एक बना ली कि आई विल क्रिएट अ Shopify स्टोर। क्लाइंट मेरे पास आया, जैसे क्लाइंट मेरे पास आता है और वो कहता है कि मैंने अपना Shopify स्टोर डेवलप करवाना है और मेरा बजट है सिर्फ 100 करोड़। मेरा बजट है सिर्फ कितना, 100 करोड़। आपने क्या किया, आपने उसे जितने भी आपने Shopify डेवलपर प्रोग्राम के थ्रू जितने भी हमारे पास स्टोर्स थे जो हमने क्रिएट किए 4, 5, 6 पेजेस थे, उसने उसमें से एक चूज किया। चूज करवाने के बाद वो स्टोर मैंने जो क्रिएट किया था वो स्टोर मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से, मुझे स्टोर क्रिएट किया मैंने से ये वाला स्टोर है, उसको ऑनरशिप यहाँ से जाके ट्रांसफर करें। जब तुमने ऑनरशिप ट्रांसफर किया तो काम हो गए, एक तो तुमने 100 करोड़ क्लास बना फाइबर से, ऐसे ही बाकी 100 करोड़ फाइबर से बना के, फाइबर से 100 करोड़ बनाने के बाद जब तुमने उसका स्टोर कनेक्ट किया तो Shopify तुमने मंथली बेसिस पे ना 29 करोड़ पे किया। जब तक उसका स्टोर एक्टिव नहीं था तुमने ऐसे पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू 29 करोड़ हर मंथ मिलते रहेंगे। सर सिंपल सर वही लास्ट डे मैंने क्या किया, लास्ट डे क्लास में जो बच्चों ने अपनी ग्राउंड वॉक अपने कोई 50+ स्टोर्स क्रिएट किया, इसको मैंने क्या किया कि उसको सारी सारे स्टोर्स को ना अपने पार्टनर प्रोग्राम के थ्रू कनेक्ट करवा दिया। Shopify पे बच्चों ने ये क्रिएट की और वो क्लाइंट्स के पास आना, हमने सारे के सारे जितने 400 स्क्रीन किए, सबने सर हर बंदे के दिमाग में अपना कॉन्सेप्ट था, एक हर बंदे ने अपने अपने प्रोडक्ट सेक्टर किए थे, कुछ बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से एंटर किए थे, जिस तरह कि एक स्कूल था बच्चे का ये हर साकिब, उसने 150 डॉलर टाइप का सेल किया था, और अब हमने यह करना था 50 से 50 स्टोर्स क्लाइंट को भेज रहे हैं, क्लाइंट ने अपर पे आया, फाइबर पे आया, कहीं भी आया, उसको स्टोर्स के लिंक्स दे दे, क्लाइंट ने उसने स्टोर चूज किया, वो पैसे कमा। आपको मैंने करने की जरूरत नहीं, आपने जो उसके स्टोर ड्राइविंग कर तो उसका रीजन क्या है, तो उसको क्या क्या सर्विसेज दे रहे हो, बेसिकली उसको बिजनेस नीश पर ऐड कर रहे हो। तो हम बात करते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट की, प्रोडक्ट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हंटिंग द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ट्रेंडिंग क्या चल रहा है आजकल, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या प्रोडक्ट्स हम लगा सकते हैं, कितना भी प्रोडक्ट्स कितने हैं, क्या क्या नहीं है, क्या करते हो और उसका उस सेल करने के बाद मैं उसको अपने प्रोडक्ट को सेटअप कैसे करवाऊँ, ठीक है, ये सबसे बड़ी हैसल होती है क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट सेल करना। सो लेट्स लुक एट ये सारे सारे टूल्स मैं बता दूंगा, तो मैं सिर्फ भी ये काम करो, लेट्स लुक एट एंड स्टार्ट क्रिएटिंग योर Shopify स्टोर, आई विल यू नो पता है, देन हम गोना गो टू द नेक्स्ट फेज व्हिच इज टू क्रिएट योर स्टोर। ओके, can you do that? Yes sir. Okay, let's get started. Start करो इसको create करना, and then we move to the next step. All right? जल्दी से